हाय फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मदी कंप्यूटर्स उसका है। और अभी आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है index.php कोडिंग एडिटर के वर्जन 2.1 में से अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोडिंग एडिटर का वर्जन 3 भी है तो भी ये कॉन्सेप्ट चलेगा। आप आसानी से अपना जो index.php URL में से अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। विंडोज़ और ओबुंटू मतलब कि लैम्प और वैम्प में से कैसे निकालते हैं वो दोनों में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो URL देख रहे हैं लोकलो CI_3 मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है मैंने उसका फोल्डर का नाम दिया है CI_3। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे index.php निकालने की हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे URL में तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जो डिफॉल्ट क्लास होता है वो अपने आप कॉल हो ही जाता है लेकिन दूसरा कोई भी कस्टम क्लास अगर हमें कॉल करवाना है बाय डायरेक्टली टाइपिंग इन द URL और बाय डूइंग अ कोड तो वो नहीं होगा। बीच में हमें index.php कंपलसरी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php एंटर देता हूँ तो देखिए वही क्लास फिर से कॉल हो गया है। अब मान लो मैंने वेलकम क्लास मतलब के कंट्रोलर को कॉल करवाया है तो यहाँ पे फिर से वही आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो मुझे index.php निकाल के इसे कॉल करवाना है, बीच में मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना है तो एंटर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मुझे जो एरर सर्वर की मिल रही है। ठीक है, तो अब इससे क्या करेंगे तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अपने आप जो वेलकम कंट्रोलर जो कॉल हो जाता है वो कहाँ से कॉल होता है। तो मेरा जो एडिटर है उसमें मैं आ जाता हूँ और एप्लीकेशन फोल्डर में यहाँ पे मल्टीपल्स फोल्डर्स आपको मिलेंगे। सिस्टम फोल्डर, यूजर गाइड फोल्डर, वो एप्लीकेशन के साथ के CI_3 के रूट फोल्डर से। तो यहाँ पे आपको आना है कॉन्फिग में एप्लीकेशन फोल्डर में अंदर और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी roots.php और सबसे नीचे, ठीक है, ऑलरेडी स्क्रॉल कर दिया था मैंने तो यहाँ पे टॉप ऑफ द फाइल ये है, बहुत छोटी फाइल है। यहाँ पे आपको मिलेगा वेलकम। कोई भी दूसरा आपको कंट्रोलर मतलब के होम पेज आपका जो कुछ भी आपको बनाना है उसका जो कुछ भी आपने कंट्रोलर नेम रखा हुआ है वो कंट्रोलर नेम आपको यहाँ पे चेंज करना रहेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूंगा, आपकी वेबसाइट का जो कुछ भी होम पेज का मतलब के फ्रंट पेज का जो कंट्रोलर नेम आपने रखा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। साथ में आगे हम बढ़ते हैं, आपको जितनी भी वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स मैंने नेट पर सर्च किए थे आपको ठीक से सिखाने से पहले, कोई भी ऐसा कोई नहीं कहता कि आपको index.php निकालने से पहले एक अपाची सर्वर का एक मॉड्यूल अनेबल करना रहता है। ठीक है, अपाची सर्वर का जो मॉड्यूल है वो है readwrite_module। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल है या एक्सपर्ट है ऑलरेडी कोडिंगर में सिर्फ नया सीखना आए हैं तो आपको ये मालूम ही होगा कि .htaccess नाम की आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी होती है जो URL रीराइट के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कि एक्चुअल होगी URL कुछ, यूज़र को दिखेगी कुछ, उसी एक लॉजिक का इस्तेमाल करके जो बीच में अभी आपको मैंने दिखाया index.php वो निकाल देंगे। URL होगी कुछ, दिखेगी कुछ, मतलब कि हम index.php लिखेंगे नहीं लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पे रहेगा तो सही। ठीक है, हमको बार बार वो index.php लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो अपाची मॉड्यूल की मैं बात कर रहा था उससे स्टार्ट करने का एक कमांड आता है Ubuntu के लिए, तो ऑलरेडी मैंने कमांड यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है तो उसे मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मुझे इनपुट करना रहेगा। यहाँ पे एंटर दिया तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी का जो मैसेज मिला है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो वो पहले से अनेबल कर ही दिया है। जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन आपको अगर फिर से चेक करना है तो एक एक्स्ट्रा फाइल बना दीजिए, कोई भी नाम उसे दे दीजिए, इंडेक्स नाम, चेक नेम, जो कुछ भी आप नेम देना चाहते हैं और सिर्फ जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं PHP info एक ही स्टेटमेंट आपको PHP की फाइल में लिखना है। अभी जो मैंने उसे सेव किया है मेरे डॉक्यूमेंट रूट में सेव किया है। अगर आप विंडोज़ में हैं तो वैम्प में www फोल्डर जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट रूट होता है। अगर आप Ubuntu या फिर कोई भी दूसरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट रूट होगा /www/html और उसमें मैंने फाइल की है index.php। यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाता हूँ और index.php जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे मैं फिर से कॉल करवाता हूँ। ठीक है, PHP info वाला, तो ये पूरा PHP का जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है, अपाची का, MySQL का, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर से मैं टॉप ऑफ द पेज आ गया, यहाँ पे सिंपली आपको कंट्रोल F प्रेस करके MOD_RE_WRITE सर्च करना है, कंट्रोल F प्रेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कोड मेरा हाईलाइट हो गया।
अगर ये आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपका जो मॉड्यूल है अपाची का वो अनेबल नहीं हुआ है, आपने ऑलरेडी सपोज उबंटू में कमांड दे दिया है, तो आपको सिस्टम या फिर अपाची को एक बार रिस्टार्ट करने का रहता है, ठीक है, वो आप एक बार कर दीजिए, तो वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम ये फिर से वो ही फाइल अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्टेप वन था अनेबलिंग द अपाची का रीराइट मॉड्यूल। स्टेप टू, अब यहाँ पे एक्सट्री एक्सेस की जो हमें फाइल बनानी रहती है और उसमें जो कोड लिखना रहता है वो ये है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रख दिया है। डिस्क्रिप्शन की बात आई है तो इसमें मैं साथ में कहूँगा कि एक दूसरी लिंक भी आपको मिलेगी, वो मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जो भी मैंने स्टार्ट किए कुछ ज़्यादा मैंने उसमें अपलोड नहीं किया हुआ है, उसमें मैं एंड्रॉयड और विंडोज़ की कुछ टिप्स और ट्रिक्स और आगे कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, तो एक बार उसे भी विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कर लीजिए, इसे तो जरूर कीजिए इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब, बेल बटन, लाइक, शेयर, ये प्लीज़ आपका एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप कर दीजिए तो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो कोड है इसे मैं कॉपी करता हूँ, फिर से मेरे एडिटर में आ जाता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये फॉर लाइव और फॉर लोकल, और यहाँ पे हैश साइन मैंने तीन जगह पे की है, हैश साइन जहाँ पे की होती है वो कमेंट होती है डॉट एच टी एक्सेस के लिए, और मतलब कि फॉर लाइव मतलब कि अभी जो मैं कोड कर रहा हूँ नॉट फॉर द लाइव सर्वर, ठीक है, वो मैं अपने लोकल पी सी में वर्क कराऊँ, इसलिए यहाँ पर मैंने फॉर लोकल में से कॉमेंट नहीं की थी। जब मैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या फिर वेबसाइट को ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँगा तब मुझे एच टी एक्सेस इसी फाइल को फिर से ओपन करना होगा एडिटर में, और हैश साइन जो है फिर से मुझे शिफ्टिंग करनी होगी, मतलब कि लोकल को मैं फिर से कमेंट कर दूंगा और लाइव में से मैं फिर से कमेंट को निकाल दूंगा। सेव करने के लिए हमें क्या सेव करना है, बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती से यहाँ पे एप्लीकेशन फोल्डर में वो एच टी एक्सेस की फाइल बाई डिफॉल्ट स्टोर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, और एप्लीकेशन में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये एप्लीकेशन फोल्डर है और यहाँ पे देखिए एच टी एक्सेस फाइल है, वो जल्दी जल्दी में ये कोड निकाल के यहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं, और ये जो एरर है कोई नहीं सोल्व कर पाएगा। जितने भी आप कहेंगे भाई आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहेगा, तो उसे कैसे मालूम करेगा कि आपने गलत जगह पे एच टी एक्सेस को स्टोर कर दिया है। तो फिर से मेरी एक्चुअल एच टी एक्सेस जो है अनटाइटल की उसे मैं सेव करता हूँ, और मुझे उसे सेव करना है मेरे रूट फोल्डर में ऑफ सी आई, मतलब कि एप्लीकेशन सिस्टम और यूज़र गाइड यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, या फिर सिर्फ सिस्टम और एप्लीकेशन, ये दो फोल्डर को आपको दिखने ही चाहिए अगर आपने यूज़र गाइड डिलीट कर दिया है। तो सेव करने के लिए कंपलसरी सबसे पहले डॉट एच टी एक्सेस लिखना है, डॉट करने के बाद ही हम एक्सेस लिखना है एच टी एक्सेस, सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव करने और ये मेरी फाइल स्टोर हो गई है। मेरे फाइल मैनेजर में यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए वही मैंने ओपन करके रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट उबंटू में हिडन सिस्टम जो कुछ भी होती है फाइल्स वो डिस्प्ले नहीं होती है, सिंगल डॉट और डबल डॉट वाली, यहाँ पे सिंपली आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच, जैसे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे आपके हिडन फाइल्स और फोल्डर जितने भी हो गए यहाँ पे वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे एडिटर में आ जाता हूँ, ये स्टेज टू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो आखिरी स्टेप है हमारा वो क्या है, कॉन्फ़िग फोल्डर में हमें फिर से जाना है और कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी जो हमारी फाइल है उसमें दो जगह पे भी चेंज करना है, बेस यूआरएल और इंडेक्स डॉट पी एच पी। बेस यूआरएल मतलब कि अभी जो आपकी एग्जिस्टिंग यूआरएल वो क्या है, तो यहाँ पे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मेरी बेस यूआरएल है मतलब कि सी अंडरस्कोर 3, तो हर बार वो मेरा रहने ही वाला है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अभी अब मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी निकाल दिया है, तो ये मैं आपसे भी मैं निकाल देता हूँ। जब दूसरा चेंजेस आपको करना है तो आप जब इसी साइट को सर्वर में अपलोड कर रहे हैं तो सर्वर की जो बेस यूआरएल होती है मतलब कि www.http://www.xyz.co.in ये यहाँ पे रिप्लेस करना रहेगा आपको। अभी तो लोकल है इसलिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में आ जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अपना जो कुछ भी पेज है वो मिल गया। अब मान लो यहाँ पे मैं कोई भी एक मेथड का नाम लिख रहा हूँ कंट्रोलर की, तो अभी तो इंडेक्स ही है वही आउटपुट है। तो अभी क्विकली जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एक फिर से मैं फाइल बना देता हूँ कंट्रोलर की, जो अभी की जो फाइल है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे वो रिमूव फाइल है, ठीक है, वो मैंने बना के रखी थी मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पे एक रिमूव नाम का कंट्रोलर है, सक्सेस नाम की मैंने मेथड बनाई है और उसमें मैंने व्यू कॉल करवाया है रिमूव,
तो यहाँ पे अब मेरे व्यू फोल्डर में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव डॉट पी एच पी मैंने फाइल बनाई है व्यू की और इंडेक्स डॉट पी एच पी इज रिमूव फ्रॉम द यू आर एल। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमूव, सिर्फ रिमूव लिखूंगा तो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें मेरे उस पर्टिकुलर कंट्रोल में इंडेक्स मेथड नहीं है जो डिफॉल्ट कॉल हो जाती है। मैंने सक्सेस बनाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी मैंने निकाल दिया है यू आर एल में से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, शायद आपको वीडियो लेंथी लगा होगा लेकिन जितनी हो सके मैंने क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कवर करने की कोशिश की है। वीडियो में कुछ भी अगर नया सीखा है, नया कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और शेयर तो सिर्फ एटलीस्ट कर ही दीजिए, मेरा वर्क अप्रिशिएट कर दीजिए, ये मेरा हक बनता है क्योंकि आपको मैंने सिखाया है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और शेयर प्लीज़ एटलीस्ट कर दीजिए। और आप कोऑर्डिनेटर को आगे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब विथ अ बेल बटन। जय हिंद, जय भारत।